हेलो जी, वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हब बाय इब्रार। वी आर बैक विद अनदर वीडियो, एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अकोमोडेशन, वो फोर स्टार होटल जो हमने एम्स्टर्डम में रहने के लिए बुक किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी अकोमोडेशन को, अपने रूम को रिकॉर्ड कर लिया जाए और ऑडियंस के साथ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता है बाद में राजा भाई उस पर भंगड़े डालेंगे, दमाले डालेंगे और डाल के उसको जो है गंदा कर देंगे। अभी हम होटल में पहुंचे हैं, हालत थोड़ा बिगड़ी हुई है, मिट्टियों मिट्टी हुए पे यहाँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने अकोमोडेशन को, अपने होटल को रिकॉर्ड कर लिया जाए। मैंने एक अच्छा सा कोना ढूंढ लिया है अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ जी गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो बताना आपको ये था कि अभी हमारा एम्स्टर्डम में आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन अगर बोले तो आज वेडनेसडे है। आप देख सकते हैं कि अभी राजा भाई ने काम से छुट्टी की है। आपको बताया था कि बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे, अपनी टीम से मिले, उनको गुलाब जामुन खिलाए, मिक्स मिठाई खिलाई और उनका रिएक्शन जो है वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो अभी फ़िलहाल आज जल्दी छुट्टी हो गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अपना होटल जो है वो आपको दिखा देते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं। आपको रूम की इंटरनल लुक दिखाएंगे, आपको इसका रिसेप्शन दिखाएंगे, इसका लॉन दिखाएंगे, इसका बार दिखाएंगे और सबसे ख़ास बात, ये होटल बाहर से दिखता कैसे है। तो अभी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये हमारा जो होटल है ट्राइब होटल, तो इसकी बिल्डिंग कुछ ऐसे बाहर से दिखती है। ये सामने इसकी एंट्रेंस और ये सामने लिखा हुआ है होटल का नाम, ऊपर ये सारा होटल है। और मज़े की बात है, इसी होटल के साथ एक और होटल है जिसका नाम है मर्क्यूर होटल। मैं पहले ये वाला होटल कंसीडर कर रहा था मगर प्लान चेंज हो गया तो फिर हमने जो है ये वाला होटल बुक कर लिया। तो अभी चलो यार आपको बताते हैं कि इस होटल में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप इस होटल के अंदर एंटर होंगे तो राइट साइड पर आपको रिसेप्शन देखने को मिल जाएगा। रिसेप्शन से आप जो है की लोगे, की तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो चलो अंदर चलते हैं, आपको रिसेप्शन दिखाते हुए फिर हम लोग जो है ऊपर लॉन में वॉक करते करते अपने रूम की तरफ जाएंगे और सारी चीज़ें आपसे कवर करेंगे। तो चलो जी गाइस, दरवाजे से सीधा अंदर चलते हैं। अंदर जाते साथ ही आपको राइट साइड पे रिसेप्शन देखने को मिल जाएगा। रिसेप्शन से आप सीधा जाएं तो आपको एलिवेटर देखने को मिलेगी जो आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएगी, मगर हम लोग सीढ़ियां लेंगे, सीढ़ियां लेके ऊपर जाते हैं ताकि हम लोग होटल का जो बार है आप लोगों को दिखा सकें, आप लोगों से शेयर कर सकें। गाइस फाइनली हम लोग अभी होटल के अंदर आ गए। तो अभी हमने आपको रिसेप्शन दिखाया, रिसेप्शन दिखाने के बाद अभी जो है हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं। तो चलो ये होटल का जो है बार है। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था लेकिन टाइम कम था, तो अभी चलो अपने रूम की तरफ चलते हैं। और मज़े की बात बताता चलूँ कि होटल के सामने आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रेन स्टॉप हैं, बस स्टॉप्स हैं, लेकिन चलो यार ये होटल के अंदर वाली लुक है। रात को आएंगे आपको सारा दिखाएंगे। तो चलो जी अभी हम लोग होटल में एंटर हो गए हैं, रिसेप्शन से ऊपर आए हैं। ऊपर आने के बाद आपको बार का व्यू दिखाया, बार का व्यू दिखाने के बाद अभी हम लोग जो है अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आप होटल के अंदर से ही बाहर बस स्टॉप, ट्रेन स्टॉप, मेट्रो स्टॉप देख सकते हैं। अगर वो आपको जो कांच की बिल्डिंग दिख रही है वो मेट्रो स्टेशन है, ये बस स्टॉप है। अभी हम इस मेट्रो से आए हैं। तो गाइस चलो अभी आपको मैं लेके जाता हूँ, ये हमारे होटल का लॉन है, यहाँ से हम गो थ्रू होंगे। नंबर जो हैं वो चार डिजिट में लिखे गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारे जो रूम का नंबर है वो है 2311, 2311। तो चलो जी चाबी हमारे पास मिल गई है। अगर आपको बताता चलूँ तो ये हमारा होटल है ट्राइब एम्स्टर्डम होटल। तो अभी हम अपने रूम को ढूंढते हैं, उसके सामने जाते हैं और फिर जो है चेक इन करते हैं आपके साथ। तो ये हमारा रूम का नंबर आ गया 2311 और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, क्लीन अप, बेल, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। इसको क्लिक करूँगा तो बाहर आने वाले बंदे को, अगर कोई बंदा मेरे दरवाजे पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने डू नॉट डिस्टर्ब बटन पे क्लिक किया है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अगर मुझे अपने कमरे की सफाई करानी है तो मैं ये वाला बटन क्लिक करूँगा क्लीन अप,
और अगर मुझे होटल से नीचे रिसेप्शन से कोई चीज़ मंगवानी है तो ये उसके लिए बेल दी गई है। तो अभी चलो, ये चाबी मेरे पास है, रूम की चेकिंग करते हैं। ये तो पूरा अंधेरा हुआ है, आपको पता है कि अंधेरे में उसकी याद बहुत आती है, लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो व्लॉग है वो होटल की अकोमोडेशन का है, तो ये चाबी हमने यहाँ घुसा दी। चाबी घुसा दी तो गाइज ये हमारा जो अकोमोडेशन है, हमारा रूम है, हमें मिलता है 4-स्टार होटल में। 4-स्टार होटल में हमने ये रूम लिया है 3 रातों के लिए। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो पर नाइट हमें जो कॉस्ट पड़ी थी 349 यूरो पर नाइट। तो चलो आप पैसों की बात बाद में करते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कि हमें इतने सारे पैसे पे करने के बाद कैसी जगह मिली है। तो जब भी हम रूम में एंटर हुए हैं, ये कुछ रूल्स लिखे हैं जिनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो इनको छोड़ दो। ये होटल का मैप दिख रहा है 3rd फ्लोर का, और ये जो बटन मैंने आपको बाहर दिखाए थे डू नॉट डिस्टर्ब, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो बाहर जो बंदा आएगा उसको दिख जाएगा कि मैंने डू नॉट डिस्टर्ब बटन दबा रखा है, तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। दूसरा ऑप्शन आता है क्लीन अप का, अगर मैं एक क्लिक करूंगा तो यहाँ के जो होटल की क्लीनिंग लेडीज हैं या जो स्टाफ है वो रूम को साफ करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद ये जो है हमने यहाँ पे चाबी डाली है, अगर मैं इसको निकालूंगा तो अंधेरा हो जाएगा और उसकी याद आने शुरू हो जाएगी। अगर चाबी डाल दी तो लाइट आ गई और उसकी याद आना बंद होगी। तो गाइज ये है हमारे रूम की एंट्रेंस है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में मिलता है शायद बाथरूम और शावर। तो ये हो गया हमारा कम्बोर्ड, और ये एक प्यारा सा पोस्टर बना हुआ है। उसके बाद ये आ गया हमारा शावर, आप देख सकते हैं, और शावर के साथ हमारे पास आ गया ये मिरर जिसमें राजा भाई जो है अपने आप को देखेंगे, तैयार होंगे। और ये है हमारे पास सिंक। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपको भी पता होना चाहिए कि कल को अगर आप किसी जगह पे 4-स्टार होटल बुक करते हो तो उस 4-स्टार होटल में आपको क्या चीजें दिखने को या इंजॉय करने को मिल सकती हैं। तो ये था हमारा ऑल टुगेदर शावर एंड टॉयलेट। इसका कलर आपके राजा भाई की शर्ट से मैच हो रहा है, तो फुल सेक्सी वाइब आ रही है। तो चलो जी इसको बंद करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है ये आई थिंक अलमारी है, वार्डरोब है। इस पे लिखा है यू लुक ग्रेट, उस पे लाइन लगी है, नीचे लिखा है यू आर ग्रेट। इन लोगों को कौन से लोगों ने बता दिया कि राजा भाई इज द ग्रेट, राजा भाई इज द गोट। तो चलो यार अभी ये हमारे पास अभी वार्डरोब आती है, वार्डरोब में हमारे पास ये सारी चीजें पड़ी हैं। तो इन चीजों में हमारे पास आ जाती है इस्त्री, आयरन, उसके साथ आ जाता है ये इस्त्री स्टैंड, इस पे जो है एक स्टैंड है कपड़े रख के जो है प्रेस करते हैं, साथ में कुछ नैपकिन या बैग्स वगैरह आ जाते हैं। और ये हमारे पास, इसको अभी अनपैक करते हैं, पता नहीं ये क्या है, इसको अभी यहाँ रखते हैं। तो गाइज ये था बाहर वाला मिरर जहाँ पे राजा भाई तैयार होंगे। बाकी आप लोग बताओ कि राजा भाई माल ही लग रहे थे आज, नहीं क्या कहते हो आप? तो अगर वार्डरोब से आगे बढ़े तो हमारे पास आ जाता है ये LED बहुत बढ़िया, अभी सिद्धू के गाने चलाएंगे, पंजाबी भंगड़े डालेंगे, आपको पता ही है ये हमारा एक लेवल है। LED के साथ साथ हमें मिल जाता है एक ये टेबल, टेबल के साथ ये लैंप मिलता है। डैम ब्रो ये तो टच सिस्टम लगा हुआ है यार, नाइस। चलो यार इसको डैम, अच्छा ये इसको टच करने से इसकी लाइट कम या ज्यादा हो रही है। तो ये था हमारे पास टेबल, टेबल के साथ हो गया लैंप, साथ में रिमोट पड़ा हुआ LED का। उसके बाद ये आई थिंक हमारे पास वैसे कोई चीज रखने के लिए कबर्ड दी हुई है, छोटी सी 2 खाने हैं बने हुए, और एक चेयर दी हुई है। चेयर के साथ ये हमें कपड़े लटकाने के लिए हैंगर टाइप जो है स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप कपड़े हैंग कर सकते हैं, जो अभी कुछ देर में राजा भी करेंगे। तो इस हैंगर्स के साथ हमें एक जगह मिल जाती है जहाँ पे कॉफी मशीन, टी बैग्स और शुगर के जो है पैकेट पड़े हुए हैं, साथ में ग्लास पड़े हैं। इसी के साथ हमें ये जो है कैटल मिलती है, कैटल के साथ कुछ कॉफी वगैरह के पैकेट्स मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ से मुड़ूँ तो सबसे बड़ा, सबसे हैवी अभी व्यू आने वाला है जिसके लिए मैंने ये रूम बुक किया था। क्या आप लोग ये व्यू देखने के लिए रेडी हैं या नहीं?
तो बॉयज ये है वो व्यू, ये है वो कारीगरी जिसके लिए राजा भाई ने रूम बुक किया था। मैंने जब इसको पिक्चर्स में देखा था तो वाकई यार देखने का मजा आ गया था, लेकिन अगर आप इसको रियल में देखो तो इस रियल में भी ये बहुत प्यारी जो है बैकग्राउंड लग रहा है। ये इस बैकग्राउंड के साथ ये आपके राजा भाई का आज और अगली दो रातों के लिए बेड होने वाला है। आज और अगली दो रातों में राजा भाई इस पर फुल भंगड़े डालेंगे, इंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ ये कुछ शोशेबाजी वाली चीज़ मिल जाती है, एक लाइट है जो रिंग की शेप में है, काफ़ी अच्छा जो है व्यू बना रही है रूम में। तो गाइस इसके साथ साथ ये हमें मिलता है एक सोफ़ा टाइप चेयर, काफ़ी कंफर्टेबल है, बैठ के ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड ब्रो, तो ये थी राजा भाई की रूम की जो सारी सेटिंग। मैंने कहा कि बाद में हमने इसको गंदा कर देना है, बाद में हमने चीज़ें तहस नहस कर देनी है, तो चलो यार रूम को थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए। और सबसे खास बात इस बेड की आप हाइट चेक करो यार, इस पे तो सोने का हैवी मजा आएगा। और अगर मैं अपने रूम से बाहर के व्यू की बात करूं तो ऊ लल्ला डैम ब्रो नाइस। तो गाइस ये हमें बाहर का व्यू देखने को मिलता है, और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे राइट इन फ्रंट ऑफ अस एक और होटल है जिसका नाम है मर्क्यूर, अगर वो आपको दिख रहा हो। और बाकी ये होटल का लॉन है, यहाँ पे आप सिगरेट या स्मोकिंग कुछ भी कर सकते हो, होटल में तो स्मोकिंग वगैरह अलाउ नहीं है, तो इसलिए जो है आप होटल के अंदर नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने ये लॉन छोड़ा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड चल रही है, हवा चल रही है, पत्ते काफ़ी तेज़ी से जो है मूव कर रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा रूम 1050 यूरो में 3 रातों के लिए जो हमने बुक किया। लेकिन एक और चीज़ मैं ना यहाँ पे फ्रिज जो है मिस करूँ, कहीं ये तो फ्रिज तो नहीं है। ओह माय गॉड ब्रो, अच्छा ये क्या हमारे पास लॉकर, आपको पता है कि राजा भाई की ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उन्होंने ये लॉकर दे दिया, यहाँ पे अपना वॉलेट रखा जाएगा, ज्वेलरी रखी जाएगी और साथ में कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें रखी जाएंगी। और राइट अंडर दिस लॉकर हमारे पास ये फ्रीजर है छोटा सा, जो कि शशकेबाजी वाला है, छोटा सा है बिल्कुल। इसमें अभी 2 पानी की बोतलें पड़ी हैं, इसको जो है सुबह फुल कर देंगे अपने ड्रिंक्स के साथ जो हमने पीना है। तो अगर मैं 4-स्टार होटल की बात करूं कि 4-स्टार होटल 1050 यूरो में अगर मैं इस होटल का रिव्यू दूं तो आई थिंक कुड बी बेटर यार, 1050 यूरो में इससे कुछ बेहतर मिल सकता था। अगर आपको याद होगा मेरा पिछला जो व्लॉग जो मैं आज से 4 या 5 महीने पहले एम्स्टर्डम में आया था, तो मैंने एक होटल बुक किया था अनीता द मामा के नाम से, मैं उसका लिंक जो ऊपर शेयर कर दूंगा, पिन कर दूंगा यार। वो होटल मुझे याद है, वो मैंने इससे कम पैसे दिए थे, और वो होटल का कमरा और होटल में सारी चीज़ें बहुत शशके की थी, वो बहुत नाइस थी। मगर ये होटल यार इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगा है कि सारी चीज़ें जैसे सेट है ना, ये मैक्सिमम जो है सेटिंग कर सकते हो, अगर आप एक भी सेटिंग छेड़ोगे तो पूरा रूम जो है तहस नहस हो जाएगा। तो गाइज ये था ऑल इन ऑल हमारा फाइनल जो है आपको लुक दिखा देते हैं। वो सामने केटल पड़ी है, चाय का सिस्टम है, साथ LED है, उसके बाद टेबल है, चेयर है, और ये भंगड़े डालने वाला बेड है। पीछे बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, आज रात राजा भाई इसी को देख के जो है उसको याद करेंगे, समझ रहे हैं। और साथ में बड़ा कम्फी सोफा टाइप चेयर दी है, लाइट है, अगर आपने वीडियोस बनानी हो, शोशेबाजी करनी हो। और बाकी एक चीज़ तो मैं करने ही भूल गया, सबसे पहले तो इसको अनपैक करते हैं ना। तो गाइस हमने उसको अनपैक किया है, जो बैग हमें मिला था उस बैग में और कुछ नहीं, हेयर ड्रायर है, तो जो कि हमारे काम आएगा, आपको पता है हमारा जो करंट स्टाइल है उसके लिए हमें जो हेयर ड्रायर अब रिक्वायर्ड है, दरकार है। तो ये है हमारा पूरा बेड, हेयर ड्रायर, सोफ़ा, टी बैग वाला सिस्टम, कपड़े हैंग करने वाला, LED, टेबल, वार्डरोब, एंट्रेंस, घर की चाबी, और फाइनल में ये आता है हमारा शावर एंड टॉयलेट। तो अगर मैं 3 रातों की कॉस्ट की कैलकुलेशन करूं तो 349 × 3 1047 यूरो, 1047 यूरो मैंने पे किया है इस होटल में 3 रातों का। पाकिस्तानी करंसी में ये बनते हैं ऑलमोस्ट 3.5 लाख।
3.5 लाख अगर मैंने 3 रातों के दिए हैं तो पर रात जो हमें पड़ी है वो पड़ी है ऑलमोस्ट 1.25 लाख PKR की। मुझे लोग कहते भी हैं जब मैंने पिछले 3-4 बार एक्सपेंसिव होटल में रह के उनके व्लॉग्स कैप्चर किए, उनकी वीडियोस डाली, तो कहीं मेरे अपने लोग ही मुझसे खफा हो रहे थे कि बेटा अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है तो आपको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहूँगा कि सारी ज़िंदगी हम लोग पैसा सेविंग करने में लगा देते हैं कि सेव करते रहेंगे, फ्यूचर में कुछ करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप एक्सपायर हो जाते हो या निकल जाते हो और आपके पैसे कोई और यूज़ करते हैं। मैं उन लोगों जैसा नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं अभी यंग हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी के सारे मज़े लूँ, हर टाइप की जो अकोमोडेशन है, हर टाइप की जो एक्टिविटी है लाइफ को जो अम्यूज़ करती है, जो जॉयफुल बनाती है, उसको इन्जॉय करूँ। तो इसी तरह हमने ये भी होटल जो है 4-स्टार होटल, इसकी बड़ी रैंकिंग थी, बहुत ज़्यादा फेमस था, तो हमने बुक किया। तो बाकी टेंशन नहीं लेनी, अभी पूरा होटल जो है रहता है, हम आपको इसका बाहर का व्यू दिखाएंगे, उसके बाद स्विमिंग एरिया दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग आपको फिटनेस एरिया दिखाएंगे। ये सारा जो है ना हम लोग आपके लिए कैप्चर करेंगे ताकि कल को अगर आप एम्स्टरडम में घूमने आते हो तो आप ये वाला होटल या जो पिछले होटल मैंने डाले हैं उनका व्लॉग डाला है, आप किसी भी होटल में अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर विशेस कोई भी होटल बुक कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा छोटा सा, और आपको हमारी जो अकोमोडेशन वो भी पसंद आई होगी। अगर ये अकोमोडेशन पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और बाकी जो है आप अपनी ओपिनियन का लाजमी इजहार करना कि क्या आप सोचते हैं इज इट वर्थ इट टू पे 1050 यूरो फॉर दिस साइज ऑफ रूम विद ऑल दिस फैसिलिटीज विद ऑल दिस स्टफ। तो ये मेरा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो बाकी अभी हम थके हुए हैं, रेस्ट करेंगे गाइस, खाना खाएंगे, खाना अभी नीचे से ऑर्डर करते हैं वो खाएंगे। खाना खाने के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा तफरी करकेंगे, टपरी मार करेंगे शहर के अराउंड एम्स्टरडम में। आज हम ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बाद आ रहे हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद जो है हम लोग सराउंडिंग थोड़ी कैप्चर करेंगे, और बाकी ये है कि फिर कल से अपना नया व्लॉग शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हर एक दिन का जो व्लॉग है बनाएं ताकि आप लोगों से शेयर कर सकें। तो गाइज, शो योर सपोर्ट, शो योर लव, एंड यू नो राजा भाई आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट और बिफोर यू लूज देम। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, चाओ, अल्लाह हाफिज़।